बस। फरीद को कहीं भेजा है? इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, आई नहीं। आप थोड़ी देर सो जाइए ना। आपको क्या हुआ है? दिन दहाड़े मुझे सुलाने पे लगी है? ये सोने का वक्त है? क्या बात है, बड़ी घबराई हुई सी है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। कहा भाई, वैसे बड़े बड़े बेशरम लोग देखे तोहरे जैसा नहीं देखा। तोते की तरह एक ही बात को रटते रहते हो। खैर ये बताओ, प्रीत घर आई या नहीं? का है? उधार खाए हैं तोरा है? तोते हमेशा पिंजरे में ही अच्छे लगते हैं। सुनिए। जी सर। रीत जी घर आई क्या? वो तो कब की आ गई, ऊपर अपने कमरे में। अच्छा, ठाकुर साहब का कमरा कहाँ? जी उधर। अगर हमने यज्ञ को आवाज दी तो जसोदा भाभी आ जाएंगी और यज्ञ को बाहर निकाल देंगी। ठाकुर साहब, बेटा यज्ञ अंदर आओ। तो रीत को तो मैंने रोक लिया, लेकिन इस इंस्पेक्टर को कैसे रोकूं? रीत, अगर तू चाहती है कि पावजी के सामने हम इंस्पेक्टर की बेइज्जती ना करें, उसे तत्काल के इस घर से बाहर ना निकालें, तो यहाँ से हिलना नहीं, समझी? रीत ने ये तो बताया था कि तुम्हें इस बात का पता चल गया है कि फैक्ट्री जली नहीं, जलाई गई है। अब तुम बताओ, किसने जलाई फैक्ट्री? जसोदा जी, इसे रोको। इंस्पेक्टर साहब, प्रणाम। नमस्ते। वो कुंवर साहब बुला रहे थे ना आपको, वो जानना चाह रहे हैं कि फैक्ट्री जलवाई किसने है, इसलिए आप। बड़ी बहू, एक काम करो, पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा करो, हम सब एक साथ सुनेंगे कि हमारी फैक्ट्री का, हमारे परिवार का इस सम्मानपुर का दुश्मन कौन है। जी। कुंवर साहब, अब क्या हुआ? वो यज्ञ घर में घुस के बाबूजी के पास चला गया है। अब बाबूजी ने हम सबको हॉल में बुलाया है। आप एसपी साहब को फोन लगाइए। हाँ, वो तो लगाना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर को यहाँ से जल्द भगाना पड़ेगा। एसपी साहब का फोन। जैन सर। जी सर। क्या सर, अभी निकलता हूँ। जैन सर, माफ कीजिए, मुझे फौरन निकलना होगा। अब पुलिस वालों को कौन रोक सकता है? हमारी बात अधूरी रहेगी। जी, वो मैंने रीत जी को बता दिया है, वो आपको सब बता देंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, काम खत्म होते ही वापस आता हूँ। ठीक है। भौजी, यज्ञ आया था, कह के गया है कि फैक्ट्री का सच तुम बताओगी। बेटा, मुझे हाल में ले चलो। लीजिए ला। डरे वो जो गुनेगार है, सच को क्या डर। ऑल द बेस्ट। अगर हमारे कुंवर साहब की इज्जत सरेआम उछाली ना, तो इस घर में इतना बड़ा हंगामा होगा ना जो कभी ना होगा।